एक बार जीत कर जाते हैं उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन के टाइम में आते हैं। हम लोग आकाश के साथ है, कांग्रेस के साथ है, महागठबंधन के साथ है। राज सिंह जीत पाएंगे? जीत पाएंगे एकदम बहुमत से जीत पाएंगे। नहीं है 0.5 लाख वोट से हम लोग जीताने जा रहे हैं। आकाश सिंह तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में है, अगर आकाश सिंह जीतेंगे तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और महाराजगंज में मुकाबला जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और आकाश सिंह के बीच है। बीजेपी से दो बार के MP जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में हैं, वहीं नौजवान आकाश सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो महाराजगंज में माहौल किस तरीके से लगातार जो है वो बदल रहा है, माहौल कितना कुछ बना है, ये सब जानेंगे। लगातार नेताओं का रैलियाँ जो यहाँ पर होती दिख रही है और सभाओं में लोगों की भारी भीड़ भी जुट रही है। आप यही महाराजगंज के हैं? नाम हम शाम कोरिया गंगोई गांव का। तो माहौल क्या है इस बार महाराजगंज में? महाराजगंज में दोनों पार्टी बराबर टक्कर दे रहा है, दोनों पार्टी बराबर टक्कर दे रहा है। अच्छा, ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने काम वाम किया कि नहीं? काम कुछ नहीं, कुछ नहीं भूत एक एक कर क्या रहते हैं। आकाश से उम्मीद कितना है लोगों को? अब आकाश तुम नए आए हुए हैं, इनसे उम्मीद अब करने पर न देखेंगे। अभी अगर देखा जाए तो जनता जो है यहाँ की किन मुद्दों पर वोट कर रही है? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे आकाश मजबूती से लड़ रहे हैं, जीत पाएंगे? है? आकाश जीत पाएंगे मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? जीतेंगे, एक जीत हार हमारे पास में थोड़े है, जीतेंगे। तो वोटर सी तो तय करते हैं। आप कहाँ गए बाबा? इसी जाएगा, हम हमसे नहीं कहा जाएगा। आप यही के हैं? हम से, हाँ इसी जाएगा है। तो क्या माहौल है चुनाव का इस बार महाराज? हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बता सब, हम गृहस्थ किसान हैं। विकास वगैरह का काम कितना हुआ? विकास का काम होते जाता है। सड़क बहुत टूटा हुआ है यहाँ, सब बन रहा है, बन रहा है। तो हमारे इतना जल्दी सांसद महोदय जो है ना, एक बार जीत कर जाते हैं उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन के टाइम में आते हैं। सिग्रीवाल साहब जी जी जी, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि अब की बार उनका पत्ता साफ है यहाँ से। सिग्रीवाल जी जी बिल्कुल साफ, अब की बार हम लोग ने ठान लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार जी जी, मतलब इंडिया में, हाँ दिल्ली में। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कि आप कांग्रेस के काम को कैसे देखते हैं? पहले तो हम कांग्रेस में कांग्रेस तो ठीक था पहले से, बाकी अब भगवान क्या करेंगे क्या नहीं। अरे जो सरकार आता है वो काम सही करता है, पैसा गलत करेंगे हम, ठीक है करता है। आप भी यही के रहने वाले हैं? हम तो सिसवा को रहने वाले हैं, जौन मोदी सरकार कर दिए वो हम लोग का शांति है, अभी ले शांति हम लोग का जा रहा है। अब भगवान सही से शांति भी से है, हम नहीं तो फिर हम लोग का सरकार आएगा तब तक ले हम लोग का शांति नहीं है, हम लोग का शांति है। मोदी से हम लोग को दिक्कत नहीं है, यहाँ का लोकल सांसद से दिक्कत है। मोदी जी तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के सांसद जो है 5 साल में बस एक ही बार आते हैं, 5 साल में एक ही बार वोट मांगे। काम वगैरह क्षेत्र में कुछ नहीं है भाई, देखिए सामने आप जिस रोड से आए होंगे देखिए, सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ ट्रेन का ठहराव गोमती नगर का नहीं हुआ। 10 साल में शायद फर्स्ट बार बन रहा है ना, 10 साल में अभी एक बार भी बना नहीं है, बना नहीं है। हाँ, हम लोग को कोई एलर्जी नहीं है। आप नहीं बात कीजिएगा, आप यहीं के हैं? अरे उससे क्या हो गया, चुनाव का क्या माहौल है? मालूम नहीं है, मालूम नहीं। चलिए आप बताइए। शिक्षा के बोलिए, चुनाव का माहौल बताइए। माहौल चुनाव का माहौल ठीक है, जो जहाँ है वहाँ सब लोग ठीक है। मुद्दों पर वोट हो रही है? सब जो जहाँ है वहाँ सब ठीक है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा लंटेनों पर है, कमलों पर है जी, जो जहाँ मुद्दा है वो है, ठीक है, लंटेन पर भी है, कमल पर भी है, सब। वो तो चुनाव में वोट का नहीं, विकास का मुद्दा वगैरह है। विकास को जो सरकार आती है सब लोग अपना अपना विकास करते हैं, सब किनको शिकायत किया जाए, सब लोग अपना अपना विकास करते हैं। सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है इस इलाके में। हाँ, सड़क पर स्थिति है, आने वाली सरकार जो होगी किसी सिग्रीवाल साहब के काम। हाँ, वो भी ठीक काम किए हैं। ये आकाश जी, वो भी जब आएंगे तो करेंगे। मजबूती कितना है इस बार किसका? तो अभी तो मुझे जिसका सरकार है उसी की मजबूती है,
दिल्ली राज्य में बीजेपी की। हाँ तो और क्या, जिसकी सरकार है उसमें तो उसी का मजबूती है। अच्छा आप बताइए, बोलिए, आप तो युवा है, आपको विकास का काम कितना पसंद आ रहा है? इस लोकसभा क्षेत्र में विकास का कोई काम माननीय सांसद के द्वारा नहीं किया गया है और माननीय सांसद के व्यापक स्तर पर यहाँ विरोध है। विरोध है? हाँ विरोध है उनका। एक छोटी लाइन आप आए होंगे तो शाम को स्टेशन है बगल में, ये छात्रों का लाइफ लाइन है, लेकिन एक सांसद से यहाँ 10 साल में एक जोड़ी ट्रेन नहीं चल पाया है। ये सांसद यहाँ का छात्र विरोधी सांसद है, छात्र विरोधी है। मसरक से लेकर मढ़ावरा तक का हजारों छात्र, हम लोग खुद इस ट्रेन से अप डाउन करके मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए हैं, लेकिन 2014 में जब से ट्रेन बंद हुई है बड़ी लाइन हो गई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोग बार बार मांग किए, उसके बाद भी सांसद से एक जोड़ा ट्रेन नहीं चल पाया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इस बार चुनाव में ये मुद्दा बना है? हाँ हम लोग की तरफ तो एकदम यही प्रमुख मुद्दा है। युवा इस बार किसके साथ है? हम लोग आकाश के साथ है, कांग्रेस के साथ है, महागठबंधन के साथ है। किस उम्मीद से? किस उम्मीद से कि अगर आकाश जीएमपी बनता है तो हम लोग का जो ट्रेन का लंबित मांग है वो पूरा होगा। यहाँ तो सड़क है, आप देख लीजिए, बाजार का प्रमुख शहर है, सड़क है, यहाँ से छपिया जाइएगा इसे भी जर्जर स्थिति है। एमपी से एक सड़क नहीं बन पाता है, इस एमपी से छठ घाट बनेगा, चौतरा बनेगा, तो मुखिया एमपी में कोई अंतर नहीं रह गया है। जी हम युवा हैं, विकास का काम नहीं, लेकिन हम ऐसे कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि हम लोग को रोजगार चाहिए, इसे रोजगार जी बस रोजगार के लिए हम लोग युवा सब साथ में सपोर्ट के काम से कितना संतुष्ट हैं जी। हम तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी, लेकिन हम अपने इतना जानते हैं कि ये मुद्दा है, युवा है बस। आप बताइए, महागठबंधन महागठबंधन को वोट कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा इस बार क्या है? मुद्दा ये विकास, विकास रोजगार यही मुद्दा है। आकाश सिंह जीत पाएंगे? जीत पाएंगे एकदम, फूल बहुमत से जीत पाएंगे, भारी बहुमत से जीत जाएंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है महाराजगंज में इस बार मुद्दा? महाराजगंज में तो नहीं लग रहा है, पंजा निकलेगा, पंजा ही निकलेगा, पंजा निकलेगा। अच्छा विकास विकास का काम कितना हुआ? विकास तो देख ही रहे हैं सब क्या हो रहा है। सिग्रीवाल से टक्कर ले पाएंगे ये 30-32 साल के लड़के हैं? जी साहब के लड़के से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अब ये जब जीतेंगे उसके बाद ही नौजवान हैं है? तो यहाँ की जनता आकाश को जिताएगी जरूर जरूर। यहाँ तो जितने हैं सब समर्थक हैं, आए हुए हैं जितने हैं सब समर्थक हैं। आप बताइए इस बार किस मुद्दा पर वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी दवाई कमाई इसी मुद्दे पर देने वाले हैं आप। परिवर्तन तो सिग्रीवाल साहब से मुकाबला होगा आकाश का इस बार? मुकाबले नहीं है, पूरे 5 लाख वोट से हम लोग जिताने जा रहे हैं आकाश को। हाँ आकाश को जी। एक तरफा वोट है आकाश कुमार को, एक तरफा वोट। सिग्रीवाल वो उसका कोई गिनती नहीं है, किसका किसी के जबान पे नाम ही नहीं है उसका। सिग्रीवाल का क्या किया है? कुछ नहीं किया है। वो समझते हैं कि सिर्फ 5 के प्रधानमंत्री समझते हैं कि सिर्फ 5 किलो ही राशन विकास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस क्या 5 किलो राशन में एक परिवार खा लेता है? 30 पहले तो सोनिया गांधी 5 किलो राशन दे रही थी, लेकिन 1.5 रुपये प्रति किलो दे रही थी। आज के ज़माने में 3 रुपया 5 रुपये हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री एक व्यक्ति को 30 रुपये ही दे रहे हैं, एक व्यक्ति को 30 रुपये दे रहे हैं। तो जिसके घर में 12 कैंडिडेट है राशन लेने वाला, उसके लिए उसके पास लगभग सब नाम काट कूट करके 2 या 4 को देते हैं, और बड़े बड़े आदमी को भी वो राशन देते हैं। गरीब लाचार आदमी को राशन मिलता ही नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति को ही राशन मिलता है। आप इस सिग्रीवाल जी खाली चुपचाप बैठे हैं, उसके कोई काम काज के लिए नहीं है। इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ के हैं? यही महाराजगंज है जी। माहौल क्या है इस बार? ठीक है। किधर ठीक है, मजबूती किधर है? हाँ छाप। हाँ छाप जी। तो ये कमल छाप वाले काम हम कितना किए? कमल छाप काम किए हैं, बड़े बड़े लोग तो काम किए हैं, छोटे लोग काम कहाँ है? बजुराज लोग बैठे हैं, बिना काम के लोग बैठे हैं, काम मिलता है कहाँ? समस्या है, समस्या है। आप बताइए जी,
क्या माहौल है? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप बताइए क्या माहौल है? पूरा तेजस्वी का माहौल है यहाँ पर, कांग्रेस जीत जाएगी जी। अरे तो इसका किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, ये सब जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा है। ये सिग्रीवाल के काम से युवा खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है, 10 साल हो गए हैं, 2 बार सीटिंग रह चुके हैं यहाँ पे, एक बार भी किसी को दर्शन दिए हो अपना, किसी को नहीं। तो आकाश यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल पूरा आकाशमय हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैनेजर आए हुए। अच्छा मैनेजर साहब, बताइए कि इस बार कौन जीतेगा? अभी तो हम लोग कांग्रेस में लगे हैं। लगे हुए? कांग्रेस को जिताना है। अच्छा ये सिग्रीवाल ने काम वाम कितना किया? अब तो वो किया है सर, तो हम लोग के देखे में तो नहीं किया है, कहीं नहीं किया है। तो वोट मिल लेकर दो दो बार जीते? वो जीते मोदी जी का नाम पर जीते। इस बार मोदी का नाम, इस साल उनका भी माटी पलीद है। माटी पलीद है? हाँ। दिल्ली से? हाँ। अच्छा दिल्ली में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं आप? हम लोग तो प्रयास में है सर कांग्रेस का सरकार बने दिल्ली में। हाँ। इंडिया एलायंस। हाँ। जी आपका क्या नाम है? मनोज कुमार यादव। इसके साथ हम लोग महागठबंधन के साथ में, महागठबंधन के साथ है। अच्छा तो एक चीज बताइए, सिग्रीवाल वगैरह का काम कितना देखे आप? सिग्रीवाल जी का काम तो नहीं लग रहा है, कोई काम नहीं। अरे काम किए हैं, हल्का पूरा छठ घाट बनवाए हैं, लेकिन बड़े बड़े जो है जहाँ से आम लोगों को फायदा हो, नौजवान को फायदा हो, कहीं कोई कारखाना नहीं लगा है, कोई काम नहीं, जैसे जो नौजवानों को रोजगार मिले, रोजी रोजगार मिले, ये सब काम नहीं हुआ है। तो आकाश सिंह इस बार जीते? आकाश सिंह तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में है, और आकाश सिंह जीतेंगे तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो यहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री लगेगा और विकास के काम होगा। आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? जी आकाश जी का। आकाश जी को तो कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि जो नौजुवक लोगों को जो नौकरी देना है, उसी लोग को जो पढ़ाई लिखाई है, उन लोगों का तो भी बेकार समस्या चलता है, तो इसलिए तो काम नहीं किया है। तो जो मंत्री जी से हम लोग का यही आदेश है कि जो नौजुवक को नौकरी मिलना चाहिए, तो काम नहीं हो रहा है। तो इस बार महाराजगंज में सिग्रीवाल जाएंगे या रहेंगे? जी जाएंगे। तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स को आप सुन रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कितना काम किया है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने, कितना उम्मीद है आकाश सिंह से, और महाराजगंज की जनता से तो लगातार हम बातें कर ही रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें, लगातार क्षेत्र से जुड़ी एक ओपिनियन बिहार के प्रत्येक लोकसभा सीट से आपको हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद।